नारायण झूले पालने गोठा नगरी में देव नारायण हिंदे पालने गोठा नगरी भगवान की यह। अब देव नारायण की बाल लीला सुनो। अरे हीरा दौड़ी दौड़ी खाती के घरे जा, खाती ने हेलो पाड़बा लागी। किसान ओ खाती जी था को किवाड़ परो खोलो खोलो। अरे खातीड़ा थे तो काटोरे अंबा आंबे ली रे, खातीड़ा थे तो काटोरे अंबा आंबे ली, थे तो ओरी काटोरे चंदन का रूक उदल के लाजो पालनो, थे तो ओरी काटोरे चंदन का रूक उदल के लाजो पालनो। खातीड़ा चारों खूंटिया पे कोई लमांडे जे, खातीड़ा चारों खूंटिया पे कोई लमांडे जे, यो तो पींदा पे मांडोरे कालो नाग उदल के लाजो पालेनो, यो तो पींदा पे मांडोरे कालो नाग उदल के लाजो पालेनो। नारायण भगवान की जय हो। माता साडू खाती ने केवा लागी, खाती जी मारे घरे भगवान आया है, ई वास्ते आपने टे बुलाया। वही वक्त का बीच में माता साडू खाती ने और कई केवा लागी। अरे तो खाती बार बार हाथ जोड़ रही हो, प्रार्थना कर रही हो कि माता पालनो जो मैं बनाऊं, तो वह पालना में मैंने कई कई बनानो जो आप बताओ केवा लागो। अरे माता के लक तो मांडू ये बनकी को ये ला, माता के लक तो मांडू ये बनकी को ये ला, ये तो के लक तो मांडू ये दादर मोर उदल के लाऊं पालनो, ये तो के लक तो मांडू ये दादर मोर उदल के लाऊं पालनो। नारायण भगवान की जय हो। खाती के बालागो सुनो माता साडू, कतरी तो कोयला मांडू, कतरा चढ़ाए चुरकला मांडू, कतरा मोर मीटू मांडू, आप मने बताओ बताओ। तो माता साडू खाती ने के बालागी, अरे खातीड़ा नोलक तो मांडोरे बनकी कोयला, खातीड़ा नोलक तो मांडोरे बनकी कोयला, ये तो दसलक तो मांडोरे दादर मोर उदल के लाजो पालनो, ये तो दसलक तो मांडोरे दादर मोर उदल के लाजो पालनो। बोलो देव नारायण भगवान की जय। माता साडू के बल आगे खाती ने देख रे, खाती कई कह रहे नोलक तो कोयला मांड जे, कोयला दसलक दादर मोर चढ़ा चुरकला मांड जे, मांड जे। माता साडू की बात सुन, अरे खाती पालनो गड़बा के वास्ते गयो है गयो। तो माता साडू गाय का ग्वाला ने बुलान के बल आगे रे, ग्वाला मारी बात हुनो। अरे ग्वाला कुणी तो का तेरे काचा सूत ने, ग्वाला कुणी तो का तेरे काचा सूत ने, या तो कुणी मेले रेशम की डोर उदल के लाजो पालनो, या तो कुणी
माता साडू की बात सुन। अब ग्वालिया कई केवा लागा, अरे माता ग्वालिया तो काचे काचा सूत ने, माता ग्वालिया तो काचे काचा सूत ने, वे तो नापा जी मेले रेशम की डोर, भगता के आंबो मोड़ी और, तो नापा जी मेले रेशम की डोर, भगता के आंबो मोड़ी। राज की माता साडू और हीरा बाता करबा लागी, अतराक के मायने नाई आन पहुंचू। आग्यो केबा लागो माता साडू आपने गुगरी किसान बांटनी है। माता साडू केरी देखो कुवाजी, दोबा दोबा गुगरी बांटो, दबता घी गुड़ खांड बांटो। अरे गोठा नगरी में बधाया बंट रही है, आनंद मंगला चार वेरिया है। कमीना जागी बात की, देव नारायण झूले पालने गोठा नगरी में, देव नारायण हिंदे पालने गोठा नगरी, हरिया बास को गालो पालनो रेशम हंदी डोरे, चारुई खूटियां मलिया गिरी चंदन की लगी जी चकोरे, रंग रंगीला ऊपर मंडिया, रंग रंगीला ऊपर मंडिया, दादुर पतिया मोर जी गोठा नगरी, देव नारायण झूले पालने गोठा नगरी, नारायण भगवान की। ई प्रकार देव जी को पालनो गालियो अंधारा मंडक के मायने। गांव की गुजरिया घर घर में हरक मंगला चार गारी है, आनंद मंगला चार वेरिया है। अठना के पारडे राण का राजा ने अब सुगन वेरिया है, खोटा खोटा सुगन वेरिया है, राण का राज ने खोटा सुगन किसान वेरिया है। हाए वटे आंधी रे बबूलिया बाजा बाए रा, वटे आंधी रे बबूलिया बाजा बाए रा, वातो दूजी दूजी राजा वाली राण मेला का टूटिया कांगेरा, वातो दूजी दूजी राजा वाली राण मेला का टूटिया कांगेरा, भगवान की जय हो। राण का राजा सुता थका पलंग पुनी से जा पड़िया, माचा का चार हाल टूट गया और गढ़ का तीन कांगरा टूट नीचे पड़ गया, पड़ गया। राजा पागल के समान वे गया, दन उगते राजा बुलाया चार ब्राह्मणा ने, और केवल आगा देखो ब्राह्मणा कई भी करो और मारा मन की शंका ने परी काटो दूर करो, ये मने अपशुकन काव्या मने से हाँची हाँची बात बताओ, कई कारण है को ने तो थाने गाड़ी में नकामु तेल कड़ा डालू। बामन मन में घबराबा लागा, थर थर धूजबा लागा, मन में विचार की दो अब कई करा, राजा तो आपा ने मरा ना की। अठना के पाड़े देव नारायण भगवान मन में सोचबा लागा कि राजा मारे पाछे बामन ने मरा ना की, अरे इको मने कई न कई उपार करनो जरूर पेड़ी। तो देव नारायण भगवान दो रूप बनाया, एक तो छोटो लालो माता साडू की गोद में खेलने जी खेली रियो, हाँ, और दूसरो रूप
60 वर्ष का बुढ़ा बामन को, बामन बन गया, रूप बनाकर जा पहुंचा राजा का राण में। जान बोलिया आनंद है क्या, खुशी रहो जजमान। राजा पूछवा लागा, पंडित जी कठे बिराजबो आपको? तो बामन का बेस में देवनारायण बोलिया, अंदाता मु बूढ़ो बामन हूं, काती पूनम पे पुष्कर स्नान करवाने आयो हूं, जद को अठनी घूम रही हूं। और बाणु सुनियो कि राजा के भोजन प्रसादी है, राजा गांव का गांव दान में दे रिया है, ई वास्ते आयो। राजा सोच रिया बूढ़ा बामन की भी अब मौत आ गई दिखे। देखो तो राजा बोलिया, पंडित जी आप भी अंदर पधारो। जाओ। तो बूढ़ो ब्राह्मण बोलियो, मु मायने ने जाऊं, आप तो मने या बताओ बामणा ने अटे आप कहा उबा राख रखी आए, धूज का रिया कई कारण है? हाँ एक कई मतलब है। राजा बोलिया, मारा हथ पीटिया बामण है, या ने मु पूछवा ने बुलाया, देखो रे बामणा मने तीन दिन खोटा सुगन वेरिया है, ई वास्ते ने बुलाया, या बात सुन। बूढ़ा बामण का बेश में भगवान बोलिया, देखो राजा अरे ये तो अनपढ़ बामण है, याने कई नहीं जाने, आपने मुंह बताऊं आप अन परा छोड़ो। राजा बोलिया, देखो पंडित जी अगर न बताओ तो गाड़ी में निकाल देऊं, थाने तेल निकला देऊं। मंजूर है। बूढ़ा बामण बोलिया, राजा मने मंजूर है, आप याने परा छोड़ो। बूढ़ा बामण की बात मान राजा बामण ने परा छोड़ दीदा। छूटते ही बामण तो भागवा लागा और अपने अपने घर जा पुगा। उठने राजा पूछवा लागा, हाँ पंडित जी अब बताओ मने अब सुगन कहां वेरिया? अरे तो बूढ़ा ब्राह्मण का रूप में भगवान केवा लागा, देखो राजा जी पांचम शुक्रवार के दिन रात की 12 बजे आपके जनानी महिला का तीन कांगरा टूट गया। टूटिया। राजा बोले, हाँ पंडित जी बात तो हाँची है, और सुनो राजा छठ शनिवार के दिन आपका ढोलिया का चार ही हाल टूटिया। टूटिया। और सातम दितवार सुबह आपका चौक का चार दाल टूटिया। राजा बोले, पंडित जी बात तो हाँची है, आप बिल्कुल हाँची बात बताई मैंने, पर एक बात और बताओ मारे कौन दुश्मन जन्मियो? तो बूढ़ा बामण का बेश में भगवान बोला, देखो राजा आपके एक दुश्मन जन्मियो 10-12 साल पहली वी दशा में कोई दुश्मन हा? अरे राजा बोले, हाँ महाराज हाँ खरी। तो बताओ कौन है मारे दुश्मन? चौसी भाई बगड़ाव था बागाजी राव का, वे मारा दुश्मन हा, वे मारी छोटी रानी जेम तेने लेन चिलिया गया। अरे ये वास्ते सब जना ने मार ना किया, तो राजा वहां की रानिया कठेगी। राजा बोलिया, महाराज वे तो सत्या वेगी, पर बामण का रूप में भगवान बोलिया, नहीं राजा जी कोई ने एक बचगी। बचगी। तो राजा बोलिया, साडू गुजरी हाथ में नहीं आई तो आ देव नारायण भगवान बोलिया, देखो राजा जी वे साडू गुजरी के एक बालक जन्मियो। अरे और वो बालक आज तीन दिन को वेगियो है। जय हो। आपने तीन दिन की बात बताई है, अब चौथे दिन बात आगे बताऊं। ये बात ने खरी जान जो पंडित जी की सब बात सुन। राजा बोलिया, देखो निम दे पडियार या महाराज ने शीख परी दे दो। तो महाराज बोलिया, देखो राजा मारे कई ने छावे, मु तो आपने चेताबा के वास्ते आई हूं। अरे यूं कहकर देवनारायण भगवान थोड़ी दूर जाकर के अंतर ध्यान वे गया। राजा बोलिया, देखो निम दे पडियार अशो कई उपाय करो, कोई उठे जाकर बालक ने मारना के। मारना के। तो निम दे पडियार बोलिया, राजा वह चारी बामणा ने पाछा बुलाओ। बुलाओ जो बात है। अनलोभ देवो यो काम वे जरूर कर शेख। तो राजा पाछा चारी बामणा ने बुलाया। अरे और केबा लागा, देखो रे बामणा थे ऐसी करो, गोठा नगरी में जा, वी साडू गुजरी के छोरो होए, अरे वने परो माराओ। मारो। थाने दो दो खेड़ा देऊ, सो सो सोना की मोरा देऊ, और थाने राजी राखू। राजी राखू। बामण होचबा लागा, अब आपने की छावे? अरे चालो छोरा ने मारा जो बात मस्का नाका। हाँ वे लो भीड़ा बामण ई वास्ते मारबाने तैयार वे गया। तैयार वे गया। और गोठा नगरी के गेले चालबा लागा। गेले वे गया। वहीं भगत का बीच में कई वियो अरे या तो भाग रे फाटी रे दनड़ो उगी ओ, या तो भाग रे फाटी रे दनड़ो उगी ओ, ये तो उगा उगा का सब्जी का भाण चालिया रे गोठा माये ने, ओए तो उगा उगा का सब्जी का भाण चालिया रे गोठा माये ने। जोशिया खांदा पहली तारे खड़िया खो तेड़ा, जोशिया खांदा पहली तारे खड़िया खो तेड़ा, वे तो हाथा मेली तारे लोटिया डोर चाल्या रे गोटा माये ने, वे
पाता मेली डारे लोटिया डोर चालिया रे गोटराने चालिया रे बांका रावे का वे तो जो सीना चालिया रे बांका रावे का वे तो चालिया चालिया गड़गोटा की पोल दुश्मन ने बेगो मारे बावे तो चालिया चालिया गड़गोटा की पोल दुश्मन ने बेगो मारे बावे नारायण भगवान की जय हो। लोबीड़ा बामन दन उगते ही गढ़ गोठा के गेले वे चालिया चालियो जा रहा है मन में खुश वेता तका आहा राजी वीरिया हाँ आपस में बातें करता तका गढ़ गोठा की सिमाड़ा में पूग गया। अरे न्याल वे जा तो बामन जोरू प्यास लागी। बामन के बा लागा देखो रे बाया यो पास में कूड़ो है आपा शिकरा पानी पीवा। अरे तो बामन अपना लोटिया डोर खोलिया और पानी पीबा के वास्ते कूड़ा में चलाया चलाया तो लोटिया डोर पिंदा पे जा टकिया पर पानी कूड़ा में बिल्कुल कोई नहीं कोई नहीं। वह कूड़ा को पानी भगवान देव नारायण सुखा दी दो। अरे देखियोगी कूड़ा में पानी कोई नहीं दूसरा में चला दूसरा कूड़ा में जार लोटिया डोर पुगाया तो वहां में पानी कोई नहीं। अशान वेता वेता सब कूड़ा में लोटिया डोर पुगाया पर कठी वा लोबीड़ा बामना ने पानी न मिलियो पानी को छाटन ला दो। वही भगत का बीच में बामन बोलिया भाई अटे तो कटी पानी कोई न है आप ही शिकरा ठेठ गोठा में चाली पानी पीवा पी पीवा चालो परा चाला हर लगी थी कि वहां के दौड़ दौड़ चल रहा। हाँ इतरे बामन चलिया चलिया गोठा नगरी में माता साडू के रावले जान बोलिया बोलियो कई बोलिया आनंद है। अरे बामना की आवाज सुन माता साडू बोली देखिए हीरा कोई बामन आया दिखे बाढ़ने आहा थुआ ने दखना मेला जा ये बामन 12 साल में आया है थू जाया ने दखना मेल करा जा हीरा दखना ले बारणी आई और केवा लागी लो बामना ये दखना लो जा। वही भगत का बीच में बामन बोलिया देख हीरा थारा हाथ का दखना मैं नहीं लेवा कोई लेवा मैं कहां कथू तो कुमारी अत्यारी है मैं तो दखना माता साडू का हाथ का ही लेवा जा। हीरा माए ने जान बोली माता साडू परा बालो बामना ने वे तो मैंने कहवा कथू तो कुमारी अत्यारी है थारा हाथ का दखना मैं नहीं ला। हीरा की बात सुन माता साडू बोलिया देख हीरा ठीक तू बैठ जा मैंने जाबा दे कोई बामण अगर अपना घरों पाछू चलियो जाए हराप दे दे वास्ते मुआ ने दखना कराना हाँ तो माता साडू दखना ले बार ने आया आया आन बोलिया लो बामणा ये दखना ले लो। साडू माता ने पास में आती देखी देख अर चारी बामण पाचा हरक गया जा। माता साडू बोलिया बामणा कई बात हुई आप पाचा का हरक गया। बामण बोलिया देखो माता साडू आप तो सतवंती नार है पर मैं आपने आप बात बतावा आप में आजवा हुट की बासना क्षण आ रही है कि आपके जापा को दापू यो कही। साडू माता बोलिया देखो बामणा मारा मन में कई बात को मेल ने मारा मन का न मरिया 12 वर्ष भी गया और मारे जापा को दापो कुटू है मैं तो रांडी रांडू हीरा कुमारी है माँ के कोई बाल बच्चों नहीं व्यो। बामण बोलिया देखो माता साडू था के जो बाल बच्चों व्यो ने तो थे खा जाओ होगन कि मारे कई बाल बच्चू नहीं भी हो। अरे की होगन खावा वही भगत का बीच में केवल आगी आप अपना पति की शोगन खा जाओ कि मारे कोई बाल बच्चू नहीं भी हो। वही भगत में माता साडू केवल आगी बामणा था की बात मान ली दी देखो मारे घरे भगवान पावना आया है आज मैं 4 दिन का भी गया वहां के अंधारिया मंड में ई तरह झूलो गालियो तको है और ये तरह आनंद वो हिंद्रिया है। अरे चारी बामन केवा लागा मैं भी मायने जावा। माता साडू बोलिया हाँ पधारो आप पधारो और बालक का दर्शन करो करो। वही भगत का बीच में अठने माता साडू केवा लागी सबों पहली तो आप भोजन प्रसाद ग्रहण करो। माता साडू की बात सुन बामन बोलिया देखो माता साडू आपके टे में भोजन नहीं करा कने करो आप मारे टे भोजन ई वास्ते नहीं करा कि आपके टे कट्टो माछो तो को है काफी रण व्यो तो को है काफी रगत अटे ब्या तका है या धरती उजली कोई ने ई वास्ते आप कटे में भोजन ने करा हो भी है। हाँ तो कई करा महाराज आप अशी करो माता साडू कोरो कलशो ले
और अटू तीन कोस छेटी तामिसर की बावड़ी है, वटे जा रहा पानी लाओ, वह पानी उमें अटे चोको लगावा होम केरा और पछे में भोजन प्रसाद ग्रहण केरा। अरे या वैश के। हाँ अच्छी बात, आप बिराजो मु पानी पानी लेने आ जाऊं। जा। तो माता साडू कोरो कलशो लेबा के वास्ते कुमार के बटे जान हेलो पाड़वा लागी। हाए अरे कुमारिया भागल रे भाटाने पर खोले तोरे, कुमारिया भागल रे भाटाने पर खोले फाका खोलो खोलो बजड़ की वार साडू जी उदी बारे ने, फाका खोलो खोलो बजड़ की वार साडू जी उदी बारे ने। तो ताला खोलो रे बीजू सारे का, तो ताला खोलो रे बीजू सारे का, फटा खोलो खोलो बजड़ की वार दुखियारी उभी बारे, फटा खोलो खोलो बजड़ की वार दुखियारी उभी बारे। नारायण भगवान की जय हो। साडू माता कुमार ने जान हेलो पाड़ियो, कुमार किवार खोल पूंछ बालागो पधारो, माता साडू किसान पधारिया, आज रात में किसान पधारिया। वही भगत का बीच में माता साडू के बालागी, देख भाई कुमार मारे घरे भगवान पावना आया है, ई वास्ते मारे पूजन करानो है, जो तू मने कोरो कलशो दे भाई। अरे मु थारो गणो जस मानो। कुमार बोलियो देखो माता साडू, रात में 300 कलशिया में पकाया, आप सभी ले पधारो मारे आपको कई न छावे। तो माता साडू करो कलशो लीदो और खांदा पे रेशम की डोर मेल, पानी भरबा के वास्ते तामेश्वर वाली बावड़ी जावा लागा है। अरे साडू जल रे भोडलरो लीदो बेवेड़ो, साडू जल रे भोडलरो लीदो बेवेड़ो, तो खांदा पहली धीरे समकी डोर तामेसर वाली बावड़ी, वे तो खांदा पहली धीरे समकी डोर तामेसर वाली बावड़ी। साडू घूमरे घुमालो पेरियो गागरो, साडू घूमरे घुमालो पेरियो गागरो, वातो ओडियो ओडियो भोम दक्कन को चीर तामेसर वाली बावड़ी, वातो ओडियो ओडियो भोम दक्कन को चीर तामेसर वाली बावड़ी। नारायण भगवान की जय हो। माता साडू कोरो कलशो लेकर पानी भरबाने जा रिया है, अठने बामण होचबा लागा, रांड तीन कोस जान पाछी आई, अरे जतरे चार घड़ी लागी। मौको आचो, असल मौको है, आपनो काम पूरो करला, निमटा जो बात है, जट उठो छोरा ने मारा। वही वगत का बीच में अशी करा आपी, एक जनो मायने जाओ और तीन जना बाण ने ध्यान रखो। अरे यूं सलाह कर बामण जावे देव नारायण भगवान ने मारबा ने अंदर आमंड में, तो मायने जार एक बामण देखवा लागो, कई देखे अरे पहलो बामण जावे रे मंडके माये ने, पहलो बामण जावे रे मंडके माये ने, दिखे बैठो बुढ़ोरे झूला माई बामण फर पाछो आवी हो, दिखे बुढ़ो बैठो रे झूला माई बामण फर पाछो आवी हो। गुरुदेव नारायण भगवान की जय हो। पहलो बामण माई ने जान देखबा लागो, तो एक बुढ़ो जला पालना में
जी की डाडी फरफर हालती तकी मुचिया फरफराती तकी मुंडा मु लाला पड़ती तकी जे हो बामन वाने देख पाचो फर गयो। अरे किने वाला टे बारने आन के बा लागो। अरे मायने पालना में एक बुड्ढो झला बैठो तो को मारी नजर आयो। अरे वा बुड्ढा ने देख मु पाछो निकल गयो। बात सुन दूसरो बामन बोलियो, अरे बेंडा थने ध्यान राखनो छावे। वा बुड्ढा बामन की वा बुड्ढा आदमी की गोद में कोई न कोई बालक जरूर वेई कागो बालक ने हिंदारियो ई वास्ते। दूसरो बामन के ले तू प्रो हट मने जावा दे। दूजो बामन मई ने जान देखे तो देव धनी कई कला रचाई। अरे बामन दूजो जावे मंडके माये ने रे बामन दूजो जावे रे मंडके माये ने मैंने बैठो रे जो बनियो छक तो जवान बामन फर पाचो आवी ओ मैंने बैठो रे जो बनियो छक तो जवान बामन फर पाचो आवी भगवान की जय हो। दूसरो बामन मैंने जान देख बा लागो। मैंने मोट्यार जवान बेटो तो जी की भाला की अणी के समान आखियां है, बड़ी बड़ी मुछियां है, लंबो चौड़ो शरीर है, नाली नारे जी का आखियां का तेरवा छंटिया थका है। बामन ने देख घबरा गयो। बामन बाण निकल बारे जान के बा लागो, रे मैंने तो मोट्यार जवान बेटो तो को। वहां की बात सुनते तीसरो बामन बोलियो, एक तो कहे बुड्ढो एक केवे जवान, अरे थे तो झूठ लाओ पराओ मने जाबा दो। तो तीसरो बामन मैंने जियो तो देव भगवान और कई कला की दी। दिखे चौसठ जो गणिया पैरा ऊपरे दिखे चौसठ जो गणिया पैरा ऊपरे विने हिंदो देवर भोलियो भूत बामन फर पाचो आवी विने देवर भोलियो भूत बामन फर पाचो आवी। गुरुदेव नारायण भगवान की जय हो। तीसरो बामन मायने जान देख बा लागो, तो मायने चौसठ जोगनिया पेरा पे खड़ी तकी एक विशाल लंबो चोड़ो देत भूत ते पालनो हिंदारियो। पालना हिंदो देरियो देवनारायण भगवान इंद्रिया वा रंगत देख बामन घबरा गयो। और धीरे 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 पांच पचा हरग तो बाण निकल गयो। निकलता निकलता बामन की दोगती खराब हेगी। ओहो हल्दी हेगी। हाँ वाने देख बारने बेटा तक बामन केवा लागा, कई बात वीरे भाई थारी हालत कहां बगड़गी। केवा लागो भाई मैंने तो चौसठ जोगनिया बेटी तक की है, एक विशाल भोले भूत बेटो तो को बालक ने खूब इंदारियो। वहां की बात सुन चौथो बामन बोलियो, सब झूठ लाओ थे पराटो मने जावा दो। तो वही भगत में बामन चौथो जावे दे कई देखे। अरे चारू तनिया पे लटके रे चंदन गोये रा चारू तनिया पे लटके रे चंदन गोये रा जी के बीच में लटके रे कालो नाग नारायण हिंद पाले जी के बीच में लटके रे कालो नाग नारायण हिंद पाले यो प्रोग्राम यूपी कंपनी द्वारा पेश कियो जा रियो है। गायक है परमानंद दौलत पर मोतीलाल, साथ में कन्हैया लाल। रिकॉर्डिंग करावे मुबारक मंसूरी मंगलवार चौराया वाला। अरे! चारू तनिया पे लटके रे चंदन गोये रा चारू तनिया पे लटके रे चंदन गोये रा जी के बीच में लटके रे कालो नाग नारायण हिंद पाले जी के बीच में लटके रे कालो नाग नारायण हिंद पाले Yeah.
देव नारायण भगवान की जय हो। तो चौथो बामण मायने जान देखवा लागो तो चारों तनिया पे चंदन गोरा लटकरिया लपड़ लपड़ जीभ काट रिया। वहां का बच में कालो नाग लटक रियो बालक के ऊपर फण कर वहां की रक्षा कर रियो। वाने देख बामण घबरा बाण निकल गयो। और बाण न्याण के वाला गोरे हाँ बात तो हाँची है, चारों तनिया पे गोरा लपड़ लपड़ जीभ काट रिया, बच में कालो हाँप फण कर रखियो है और पालना के भड़े बालक की रक्षा कर रियो। बामन बोले अरे थे सब झूठ बोल रिया हो, अरे या बात में अंतर किसान आ रियो है, कोई तो केवे बालक और कोई केवे बड़ो और कोई केवे बुढ़ो और कोई केवे काला हाप और कोई केवे चौसठ जोगनिया। बामन केवा लागा देखो वे ऐसी बात है, आपा मनक हाँ तो मनका में भी अंतर वह है, तो वट देव धनी दरबार का मैंने कई अंतर ने भगवान तो अंतर कैफी तरह बतायो है, सब चीजा एक प्रकार की ने बताई है, अंतर बतायो है सब में बतायो है। अरे अंतर है भाई अंतर है, अंतर है भाई अंतर है, अंतर है अंतर है अंतर है अंतर है, अंतर है भाई अंतर है, अंतर है भाई अंतर है, अंतर है भाई अंतर है। सफेद और काली में, गटर और नाली में, भरे और खाली में, जीजा और साली में, अंतर है भाई अंतर है, अंतर है भाई अंतर है, अंतर है भाई अंतर है, अंतर है भाई अंतर है। रेशम और टाट में, कुर्सी और खाट में, बामण और जाट में, रोटी और घाट में, अंतर है भाई अंतर है, 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 अंतर है। काम और खेल में, घर और जेल में, वृक्ष और बेल में, गाड़ी और रेल में, अंतर है भाई अंतर है, अंतर है भाई अंतर है, अंतर है भाई अंतर है, अंतर है भाई अंतर है। कुत्ता और बिल्ली में, बंबई और दिल्ली में, जिगर और तिल्ली में, पत्थर और सिल्ली में, अंतर है भाई अंतर है, अंतर है भाई अंतर है। ग्रंथ में, संत और महंत में, चोर और कंत में, आदि और अंत में, अंतर है भाई अंतर है, अंतर है भाई अंतर है। दूर और पास में, पृथ्वी आकाश में, जीवत और लाश में, बहु और सास में, अंतर है भाई अंतर है, अंतर है भाई अंतर है, अंतर है भाई अंतर है। सैद और अर्क में, नूर्त और मूर्त में, प्रेम और तरक में, स्वर्ग और नरक में, अंतर है भाई अंतर है, अंतर है भाई अंतर है, अंतर है भाई अंतर है, अंतर है भाई अंतर है। साड़ी और जेवर में, पेड़ा और गेवर में, गेहूं और बेजड़ में, भाभी और देवर में, अंतर है भाई अंतर है, अंतर है भाई अंतर है, अंतर है भाई अंतर है। तो सब चीज में अंतर बतायो है, तो ब्राह्मण आपस में बातें कर रहा है कि देखो बालक में कई प्रकार का अंतर है। अरे अब आप ही सीकरा आप ही चार एक साथ वे और वह अंदर मंड में चाला चाला, चार ही साथ किसान वेन चाला, आपने जो लंबी लंबी चोटिया है माथा के ऊपर
या ना आपी आपस में बांध ला बांधा हे गत्ते वेर मैंने चाला। चार ही ब्राह्मण अपने अपनी चोटिया ने एक दूसरों बांध और मैंने जार देखवा लागा तो वह बात हाँची निकली। वही भगत का बीच में देव नारायण भगवान मन में विचार की दो के देखो ब्राह्मण कतरा हटीला है और ये मारो ने मान रिया है तो भगवान देव नारायण खाकड़िया धनी ने याद कीदा है। खाकड़िया सामने याद करवा लागा देव नारायण भगवान अरे थाने घना भरा की आन बारे आओ रे काला नाग जी घना भरा की आन बारे आओ रे काला नाग जी पौगाए छलर को दूध बारे आओ रे काला नाग जी पौगाए छलर को दूध बारे आओ रे काला नाग जी थन देव धनी की आन बारे आओ रे काला नाग जी थन देव धनी की आन बारे आओ रे काला नाग जी थन काला गोरा की आन बारे आओ काला नाग जी थन काला गोरा की आन बारे आओ रे काला नाग जी थन भेरुनाथ की आन बेगा आओ रे काला नाग जी थन भेरुनाथ की आन बेगा आओ रे काला नाग जी थन नीला घर की आन बेगा आओ रे काला नाग जी थन नीला घर की आन बेगा आओ रे काला नाग जी थन मासाडू की आन बारे आओ रे काला नाग जी थन मासाडू की आन बारे आओ रे काला नाग जी थन सवय भोज की आन बारे आओ रे काला नाग जी थन सवय भोज की आन बारे आओ रे काला नाग जी थन राजा राम की आन बारे आओ रे काला नाग जी थन राजा राम की आन बारे आओ रे काला नाग जी थन गुरा पीरा की आन बारे आओ रे काला नाग जी थन गुरा पीरा की आन बारे आओ रे काला नाग जी थन बड़धनी की आन बेगा आओ रे काला नाग जी थन मुदाधनी की आन बेगा आओ रे काला नाग जी नोकुली की आन बेगा आओ काला नाग जी थन नोकुली की आन बेगा आओ रे काला नाग जी गुरुदेव नारायण भगवान की जय हो। देव नारायण भगवान खाकड़िया देव ने याद कीदा तो आप खाकड़िया देव पाताल फोर प्रगट विया। बोलो खाकड़िया श्याम की जय हो। प्रगट वेती बामणा पे सो फणो फुकारा बाबा लागा आहा बामण भागबा लागा तो बामणा की चोटियां उकलगी बामण पागला के समान वे गया और इब तरह खाकड़िया भगवान की फुकारा लागबो सब बामण आंदा वे गया बाटा भाग तक वे गया और चारों मेर फरबा लागा अठना के पाड़े माता साडू तो माता साडू बावड़ी में नाली तो बावड़ी 21 पीढ़ियां की ही 9 पीढ़ियां नीचे पानी उतर गयो।
साडू माता विचार की दो बावड़ी पहली तो बाढ़ ने बेवती अरे और आज नो पेड़िया पानी नीचे उतर गयो जो की कारण भी हो। हाँ तो माता साडू पानी भरबाने मैंने उतरिया जू पानी के भरे जावे जू जू पानी एक एक पेड़ी नीचे उतरते तो जावे साडू माता की पानी हाथ में आवे कहा की वह सतपुरुषा का हाथा की बावड़ी ही ई वास्ते पापी जीवा के लिए पानी ने दे रही। साडू माता के वाला का देखे बावड़ी हूं भाई वही हूं दूजी कोई ने दन जरूर दूजा आईया पर देख तो बावड़ी जदि मु मारी दोरे ने जेटने के झूम के पानी लेबाने आती जदि तू मारे वास्ते नो पेड़िया ऊंची आती अरे और आज तो उंडी उंडी जा रही है देख बावड़ी मने पानी भरबा दे नित थारा में कांटा भरा दी हूं। अरे अतरी बात सुनते ही पानी ऊंचो आयो तो माता साडू बावड़ी ने कई केवा लागी हाय थने भोजाई खुदाई तामेश्वर पावे थने भोजाई खुदाई तामेश्वर पावे थने मिया जी कढ़ाई थारी खान थोड़ी तो ऊंची आवे जे थने मिया जी कढ़ाई थारी खान थोड़ी तो ऊंची आवे जे खुदाई मोटी बावड़ी थने भोजा जी खुदाई मोटी बावड़ी बाबल तेजा जी बंदाई थारी पाज थोड़ी तो ऊंची आवे जे बाबल तेजा जी बंदाई थारी पाज थोड़ी तो ऊंची आवे जे भगवान की साडू माता बावड़ी ने केबा लागी देख बावड़ी थने मु आखरी दान के रही हूं थने चोईसी भाई बगड़ावता की आण है मने पानी भरबा दे बगड़ावता की आण होगन देते ही पेली बावड़ी में पानी ऊंचो उछड़ गयो जो बारे ने बेबा लागो पर साडू माता पानी पापी जीवा के वास्ते लेबाने आया ये वास्ते वा बावड़ी को पानी खारो हो गयो। अरे साडू माता पानी को कलशियो भर अब घरे जाबा की तैयारी करवा लागा हाय अरे साडू जड़ रे भोडल रो भरियो बेवेड़ो साडू जड़ रे भोडल रो भरियो बेवेड़ो वे तो खांदा पे ना कीरे रेशम डोर चाली रे गोटा माए वे तो खांदा पे ना कीरे रेशम डोर चाली रे गोठा माए जोशी भागल भाटारे परा खोले दोरे जोशी भागल भाटारे परा खोले आटा खोलो खोलो बजड़ की मार साडू तो उबी बारे आटा खोलो खोलो बजड़ की मार साडू तो उबी बारे गुरुदेव नारायण भगवान की जय हो। माता साडू बालक को होच करता करता जट भाग बा लागी अरे आगता आगता पग तो किया जान बामना नीलो पाड़ियो बामना परो खोलो अरे पण बामण तो आंदा व्या तका खोले गुणी कमाल किसान खोले तो देव नारायण भगवान होचो माता साडू ने खबर पड़ जाए कि बामण आंदा वे गया तो मन में कई हमें जी कई जानी जय हो। देव नारायण भगवान बामणा की आंखें ने पाछी खोली खोल दी जय हो। आंखें खुलते ही बामण जट बारी आया अरे माता साडू बारणी उबा तका केवा लागा लो ब्राह्मण आयो पानी अबे आप हवन करो चोको लगाओ और रसोई बनाओ और रसोई जीमो ब्राह्मण बोलिया खूब जीत मिला माता माँ को पेट भर गयो साडू बोलिया था को पेट कुंकर भर गयो ब्राह्मण बोलिया देखो माता साडू माँ ने भेजा राण का राजा था का बालक ने मरवाबा के वास्ते
पर माका में अशी बनी जो मैं जाना खुद मैं ही जाना आपने जान सकूं। हाँ जाने का हाको खोत लो। देखो मैं जटा तक जीव तारी वहां पाचा गोठा में न आवा पर थे घना होशियारी जो राण को राजा था का लाला ने मरा ना केलो। अशान के बामण भागा राणा का राजा के पास में जा पहुंचा जान के वा लागा राजा वो बालक माँ को न मर सके वो आदत वो बालक माँ को न मर सके वो आप मन दो दो कई गावड़ा देवो आप मन कतरो धन दौल दे दो पर बालक ने मैं न मार सका मैं तो जा रहा माँ के घरे वाने मार बाकी उपाय मत कर जो कहा करो तो काल कोई मैं काल है भयं काल है। राजा मन में विचार कर दो गजब की बात है अतरा लोभी बामण और या को चार बामणों एक बालक न मरियो मन में विचार कर राण का राज में दूतिया का घर सोहा दूतिया ने बुलाई सब दूतिया ने भेड़ी कर राजा केवल आगा देखो दूतिया सब अपनी अपनी कला बताओ। एक दूती बोली महाराज मारा में यह कला है मु आकाश ने फाड़ ना कू। दूजी बोली महाराज ये आकाश ने फाड़ना का तो मु आकाश ने वापस छीन सकू। महाराज देखो तो बड़ी चतुर है बड़ी होशियार है तो बड़ी भारी कलाधारी है। अच्छा तो हमारे छोटो काम कर से को बताओ हजूर आपको कई काम है। हुकुम करो कि गोटा नगरी में माता साडू के बटे एक बालक है वह बालक ने मारनो है। हो महाराज बालक ने मारवाई बात कर रहा हो छचम बात है माँ के लिए मच्छर मारियो ने मारियो। हाँ, मस्का काटू। हाँ आप तो हुक्म दो वह बालक ने परो मारा। अरे अच्छी बात जाओ थाने खूब राजी राखू थाने खूब दान देऊ खूब दक्षिणा देऊ बालक ने मारना हो। राजा की बात ने सुन वही भगत दूतिया कई की दो दूतिया अपनो रूप बदलियो वेश बदलियो गुजरिया को ठणको बनायो गुजरिया को नखरो बनायो गुजरिया की चाल ढाल पेरा उड़ाव बना और वे दो दूतिया अब गोठा नगरी में जावा की तैयारी कर रही है। रांडा जीना जीना रे काड्या गूंगे का रांडा जीना जीना रे काड्या गूंगे का वे तो लंबा लंबा रोबा लागी रोज चाली रे गोठा माए ने वे तो लंबा लंबा रोबा लागी रोज चाली रे गोठा माए ने धर्मराज की जय हो। तो दो ही दूतिया लंबा लंबा घूंघटा काट अब रोबा लागी बारा पाड़बा लागी ओ मारा निया जीवो ओ मारा भोजा जीवो थे कटे परा गया हो। अशान रोती रोती गोठा नगरी में माता साडू के द्वार पहुंच गई। अरे वही भगत का बीच में माता साडू के बालागी भाई कुण हो पछाणी कोई ने दो दूतिया केवा लागी मैं वहां के धर्म की बेना लागा हाँ माने सो कोस दूर पर नहीं ई वास्ते माने खबर भी न मिली ई वास्ते आबा में देरी वेगी। वाह 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 बैठो वाह आनंद विराजमान कर दी दी। अब दो दूतिया केवा लागी भाभी माने या मालूम पड़ी के आपके अच्छा श्री को घर में बाल बच्चे हुई हो। माता साडू केवा लागी भोजा जी ने मरिया ने 12 वर्ष वे गया हमारे बाल बच्चों कटू वे नहीं नहीं आप झूठ बोल रिया हो। माता साडू के बलागी मारी बात पे भरोसो न है पर एक बात बताऊं। अरे मने एक बालक लादो जरूर है। हाँ वाह बालक की होनी वाह बताओ बालक कटे है तो मैं ने जाओ अंदरिया मंड में हिंदो गलियो तको है वाह पालना में बालक हिंद्रियो है लाड करिया हो। हाँ तो दो दूतिया मई ने जा और अब बालक ने मारबा की कोशिश की दी काफी तरह डरारी धमकारी आंखियां निकाल रही मुंडो फाड़ रही दांत निकाल रही लपड़ लपड़ जीबा काट रही पर वा देव कला भगवान वाकू कटे मर सके कटे मर सके। आखिर में दुई दुतिया खूब कोशिश कर ली थी बालक ने मरियो तो पाछी आण राण का राजा के सामने केवा लागी महाराज वो बालक कोई ने वो कोई जरूर अवतार है वो तो काल कोई महंग काल है महंग काल कोई भयं काल है वो माँ को न मर सके आप न मर सके वाने कोई ने मार सके आपका बाप ही ने मर सके वो। हाँ तो राजा काफी तरह बालक ने मारबा की कोशिश की दी पर देव कड़ा कटे मरे अड़ने साडू माता
राण का राजा को धोखो मान अब मन में विचार कर रही है कि आप ही अपने पैर परी चाला। ई तरह अब पैर में पहुंची है, पैर का सिमाड़ा में पहुंची है। तो पैयरिया की सीम में तो आयो मालव खास, दुख सुख राता काटता तो आया जद देवास। देवास नानेरा के मायने माता साडू पहुंच गई है। आनंदु माता साडू बालक ने राखवा लागी। अर्ण देव नारायण भगवान धीरे धीरे बड़ा विवाह लागा। बड़ा विवाह के बाद में मामा जी की गायन चराबा के वास्ते जावे। अरे एक दिन की बात है, वह देव नारायण भगवान ने छोचू फाट लेबा के वास्ते आयो। कुलको छोचू फाट? हाँ। आन पूछ बा लागो कठे है देवधनी। अरे माता साडू केवा लागी वो कांकड़ में गए चराबा ने गयो। जय हो, गया तो उन्हें बताया उन्हें। हाँ अंगड़ो समड़ो बता दी दो। जो ही छोचू फाट जंगल में गयो कांकड़ में, तो जोसठ जोगणिया ही व चौसठ जोगणिया छोचू फाट ने खागी। सिंदुड़िया बड़ला नीचे, सिंदुड़िया बड़ला नीचे। वहीं भगत का बीच में देव नारायण भगवान गायन चरान पाछे आया। केवा लागा भाई अठे छोचू फाट आयो मैं सुनियो। हाँ आयो और थने लेबा के वास्ते आयो, परवाने जोगणिया खागी। खागी देव नारायण भगवान। वहीं भगत भागा और जा और वह छोचू फाट ने पाछो सरजीवित करबा की तैयारी की दी। एक फांसली नाग सुता खागी, एक फांसली वह छोचू फाट की कम पड़गी। तो देव नारायण भगवान कई की दो, एक केर की लकड़ी की फांसली गढ़ अरवा छोचू फाट के पाछी रखी। जय हो। सरजीवत कर पागड़े बिठा, घोड़ा पे बिठा, पाछो अपना दरबार में लाया। अरे आनंदु ई प्रकार देव नारायण भगवान नांदेरे कमाई ने कई कई कला की दी। बाल रचा रचाई, बाल लीलचा दिखाई, कई पर्चिया दीदा। और ई प्रकार कदी बड़ा वेरिया, कदी दिखा जाता मामे को। हाँ कदी चोरिया करता, कदी कई करता, कदी केरड़ा चराता, कदी कई बाता सुननी पड़ती। ई प्रकार बाल लीला को कार्यक्रम संपूर्ण व्यो है। बोलो देव धनी दरबार की जय हो।